महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि दुकान की दीवार तोड़कर शिव शक्ति ज्वेलर्स की दुकान में लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। ये पूरा मामला उल्लासनगर के कैंप नंबर 1 गोल मैदान पोस्ट ऑफिस रोड पर हुआ है। दुकान के मालिक के भाई नारायण रावत ने बताया कि रात के समय वो दुकान बंद करके चले गए थे, मगर जब सुबह दुकान उन्होंने खोला तो नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। दुकान के पीछे जो कच्चा गोदाम है वहां से चोरों ने एंट्री की और दीवार तोड़कर वो दुकान के अंदर आ गई। चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान में जो सोने चांदी के जेवर थे, लाखों रुपए के जेवर लेकर ये चोर यहाँ से रफू चक्कर हुए। हालांकि चोरी की घटना की शिकायत पुलिस में की गई है। इस पूरी घटना पर नारायण रावल ने क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। सर, रात को हम दुकान बंद करके गए, सुबह आके खोल के देखा तो सब बंद था, ऐसा टूटा हुआ था। फिर हमने पुलिस कंप्लेंट किया। कितना माल दिया सर? चांदी का माल था सर, कोई परफेक्ट तो पता नहीं सर, अंदाजे के। और सोना कुछ गया? सोना था, कस्टमर के चीज़ें थी वो गई। और कभी हुआ है? कल रात को बंद करके गए सर, सुबह आके देखा तो हमको क्या मालूम कभी गया सर। फिर भी अंदाजन कितने का माल होगा? सर 3-4 किलो चांदी थी लगभग, और सोना था थोड़ा बहुत। क्या होता है सर? मेरे को क्या मालूम, मेरे बड़े भाई बैठते हैं उनको ज़्यादा मालूम होता है। क्या नाम है आपका? नारायण रावल। क्या